कमलेश कुमार आपका दोस्त। आज गुड़ा करने की ट्रिक लेके आया हूँ, एकदम आसान ट्रिक है। 10 के आसपास संख्या वाली गुड़ा करेंगे। आइए पहले देखते हैं। बारह को मुझे 13 से गुड़ा करना है, तो यहाँ देखिए 10 से कितना जीता है, 2, इसको लिख लेंगे, और ये कितना जीता है, 3। 10 से देखना है, अब इन दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाए, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, या 12 में 3 जोड़ दीजिए या 13 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15। यही आपका आंसर, 12 में हमको 14 से गुणा करना है, तो ये 10 से कितना जीता है, 2, और ये कितना जीता है, 4। इन दोनों को इसमें गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 4 को 12 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। आइए और देखते हैं, 13 गुणा करना है 15 में, तो 10 से कितना जीता है, 3 जीता है, और 5 जीता है, तो इसको इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 15, 15 × 5 लिखेंगे, 1 हासिल हो जाएगा। अच्छा 15 में 3 जोड़ेंगे या 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 15 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और 1 हासिल 19 हो जाएगा। यही आपका आंसर, बारह में हमको 16 से गुणा करना है, तो ये कितना 10 से जीता है, 2, और ये कितना जीता है, 6, इसको हम गुणा करेंगे 6 × 2 = 12, 12 × 2 लिखेंगे हासिल 1, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो भी 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 1 ये 19 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई दोस्तों और देखते हैं, हमको 11 को हमको 12 में गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 10 से कितना जीता है, 1 जीता है, और 1 कितना जीता है, 2 जीता है, जितना जीता है उसको इधर लिख कर इसमें गुणा करना है, तो 1 को गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को चाहे 12 में जोड़ दीजिए 13 हो जाएगा, चाहे 11 में 2 को जोड़ दीजिए, इसको या इसमें जोड़ दीजिए या इसको इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 13। देखिए 12 × 1 कितना होगा, 13, और 11 × 2 कितना होगा, 13। यही आपका आंसर। और देखते हैं 12 से हमको अगर 11 में इसको 15 लिख लेते हैं। देखिए 11 में हमको 15 से गुणा करना है, तो 1 लिख लीजिए, 10 से कितना जीता है, 1, और इधर कितना जीता है, 5, तो 5 को हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ दीजिए या 15 में 1 जोड़ दीजिए। देखिए 11 में अगर 5 जोड़ेंगे तो भी 16 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो भी 16 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। इधर और देखते हैं दोस्तों, 14 का गुणा हमको 19 में करना है, तो 10 से कितना जीता, 4, और ये है जीता 9, इसको हम गुणा करें, 9 × 4 = 36 होगा, 6 लिख लेंगे, हासिल 3 आया। देखिए 19 में चाहे हम 4 जोड़ दें या 9 को 14 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं, 23 हो जाएगा, 19 × 4 कितना होगा, 23, और 3 इधर जोड़ देंगे, चाहे इसको इसमें जोड़िए चाहे इसमें इसको जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 19 × 4 कितना होगा, 23, और 3 फिर जोड़ देंगे 23 में कितना हो जाएगा, 26 लिख देंगे, 26। यही आपका आंसर दोस्तों। 16 को हमको 13 से गुणा करना है, ये 10 से कितना जीता है, 6, और इधर वाला कितना जीता है, 3, तो इसको गुणा करेंगे 6 × 3 = 3 पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 × 8 लिखेंगे, हासिल 1। अब 16 में चाहे 3 जोड़ दीजिए या 13 में 6 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 19 × 1 = 20। देखिए 13 में हम अगर 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा,
16 में हम 3 जोड़ेंगे तो भी 19 हो जाएगा, और इधर एक हासिल था, हासिल जोड़ते हैं 20 हो गया। 15 को हमको 16 में गुणा करना है, तो 5 ज्यादा है 10 से और ये 6 ज्यादा है, तो 6 पंच कितना होगा 30 होगा, हासिल आएगा 3। 15 में 6 जोड़ देंगे या 16 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 3 24, यही आपका आंसर दोस्तों। 16 में हमको मान लीजिए 11 गुणा करना है, तो ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, और ये 10 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो हम 6 पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और 16 में 1 जोड़ दीजिए 17 हो जाएगा, या देखिए 16 में 1 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 11 में हम 6 जोड़ेंगे तो भी 17 हो जाएगा, तो हम 1 जोड़ रहे हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों और देखते हैं, देखते हैं दोस्तों 13 में हमको 13 से गुणा करना है, 13 में हमको 13 से गुणा करना है, 10 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, और इधर कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, इसको इसमें गुणा करेंगे 3 तरीका ना होगा। अब 13 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 169 आंसर, यही आपका आंसर। मान लेते हैं अगर आपको 14 में 14 का दे दिया जाए, आपको मिल जाए आपको आधे सेकंड का टाइम, तो कुछ भी नहीं आप 10 ही सेकंड में कर लेंगे इसको। 4 4 कितना होता है 16 होगा, एक हासिल हो जाएगा। देखिए 10 से कितना ज्यादा है 4, 10 से कितना ज्यादा है 4, तो इन दोनों को गुणा करेंगे सबसे पहले, 4 4 16 हो जाएगा, 16 लिख ले एक हासिल हो गया। 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 1 19, यही आपका आंसर दोस्तों। देखते हैं उन्नीस से गुणा करना है, 12 में हमको 19 से गुणा करना है, तो बस 10 से कितना ज्यादा है 2, और इधर कितना ज्यादा है 9, अब 9 पढ़ हम 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 18, हासिल है 1। अगर हम 19 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और एक हासिल है तो हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर हम 12 में 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और एक 21 हो जाएगा दोस्त, 21 हो जाएगा, और एक हासिल जोड़ने 22 हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों 15 में हमको दे दिया जाए 19 में गुणा करना है, कितने से 15 में हमको 19 से गुणा करना है, तो 5 ज्यादा है और इधर 9 ज्यादा है। अब देखिए 9 5 45 होता है, 9 पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 के लिखेंगे 5, हासिल है 4। अब 19 में हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, अरे भैया इसको इसमें जोड़ दीजिए 19 5 कितना होगा 24, और 15 और 9 कितना होगा 24 होगा, 24 होगा, और इसको हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 हो जाएगा, यही आपका आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी दबाइए जिससे कि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, आप सबसे पहले अच्छे अच्छे ट्रिक पा सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।